हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का आई थिंक पार्ट 22। ठीक है, आज पढ़ा दूंगी, ख़त्म कर दूंगी, कोशिश करूंगी एलिमिनेशन रिएक्शन ख़त्म हो जाए, जिसके अंदर हमारा जो बचा हुआ है दैट इज़ E2 एंड E1CB। ठीक है, तो आज हम लोग E2 और E1CB क्या है ये दोनों मैकेनिज्म्स देख लेंगे। E1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अल्काइल हैलाइड का भी E1 पढ़ चुके हैं, अल्कोहल का भी और ईथर का भी। ठीक है, तो अब E2 रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ हेडिंग डाल रखी थी E2 रिएक्शन, क्या होता है E2 रिएक्शन। तो अगर मैं E2 रिएक्शन के नाम पे जाऊँ तो E2 का मतलब होता है बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है, ई का मतलब होता है एलिमिनेशन, ऐसा एलिमिनेशन जो कि बाय मॉलिक्यूलर है रिएक्शन, उसे हम E2 रिएक्शन कहते हैं, बाय मॉलिक्यूलर। SN2 रिएक्शन, जैसे मैंने E1 को SN1 से रिलेट किया था, वैसे ही मैं E2 को SN2 से रिलेट करूँगी। ठीक है, तो E1 रिएक्शन में क्या था, E1 रिएक्शन में होता ये था कि हैलोजन, अगर मैं अल्काइल हैलाइड लेती हूँ या अल्कोहल लेती हूँ या ईथर लेती हूँ, तो अल्काइल हैलाइड में HX निकलता था, अल्कोहल में पानी निकलता था। बिल्कुल वही लोग, यानी हमारा अल्काइल हैलाइड और हमारे अल्कोहल्स और हमारे ईथर वही लोग हैं जो कि E2 रिएक्शन करेंगे। ठीक है, बट वहाँ पर कंडीशंस अलग होती थी, यहाँ पर कंडीशंस अलग होगी। जब हम E1 रिएक्शन करते थे तो देखो हम कैसे सॉल्वेंट्स लेते थे, हम वीक बेसिस लेते थे। हमने वहाँ पर लिया हुआ था C2H5OH, ठीक है, विच इज़ एन अल्कोहल वीक बेस। SN1 किया था तो पानी लिया हुआ था हमने, ठीक है, और हाई टेम्परेचर लिया हुआ था E1 के केस में। फिर E2 के केस में क्या करेंगे मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि E2 होना है कि नहीं। हाँ, तो E2 के केस में हम यहाँ पर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो जब हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं तब हमें ये चमकना चाहिए कि भाई हम स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो E2 यानी कि बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन होगा। मैम ये होता कैसे है, क्या है ये, देखो बताती हूँ होता कैसे है। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन मान लो हम पहले E2 एंड अल्काइल हैलाइड देखते हैं, तो मैं कोई अल्काइल हैलाइड ले लेती हूँ। ठीक है, ये X है मेरे पास, यहाँ H है, यहाँ कुछ ये बॉन्ड्स हैं, इनको मैं खाली छोड़ देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिया हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई लिया हुआ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब जब मैं ये स्ट्रॉन्ग बेस ले लूँगी तो होगा क्या, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एलिमिनेशन हो जाएगा और कुछ इस तरीके से अल्कीन हमारे पास बन जाएगा, और जो निकलेगा साथ में वो निकलने वाला रहेगा हमारा HX। ठीक है, प्रोडक्ट बन गया, अल्कीन एलिमिनेशन हो गया। पर हुआ कैसे है, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ कि हुआ कैसे है, तो मैकेनिज्म समझना बहुत ही सिंपल है। E2 मैकेनिज्म SN2 की ही तरह सिंगल स्टेप में होने वाला मैकेनिज्म है। E2 ऑल्सो अकर्स इन सिंगल स्टेप, वेयर इज E1 अकर्स इन 2 steps। ठीक है, तो E2 भी मैं बोल सकती हूँ कि भाई इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और वही अब एक ही स्टेप है भाई, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप भी वही होगी। अच्छा, अब ये सिंगल स्टेप में क्या होने वाला है हम वो देखेंगे पहले। तो मैंने मेरा अल्काइल हैलाइड ले लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने मेरा यहाँ पर H ले लिया है। ठीक है, होगा क्या, देखो अल्काइल हैलाइड ले लिया है, तो जिसके पास भी अल्काइल हैलाइड रहता है वो अल्फ़ा कार्बन कहलाता है, ये पड़ोस का कार्बन बीटा कार्बन है। अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन होती है, E1 में भी अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन ही हुई थी, और यहाँ E2 में भी अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन ही होने वाली है। ठीक है, तो देखो ज़रा यहाँ पे मैंने अल्फ़ा कार्बन ले लिया, यहाँ और भी कोई दूसरे कार्बन होते तो बीटा के चॉइसेस और भी होते मेरे पास, बट मैंने टू कीप इट सिंपल मैंने एक ही कार्बन रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा ये बीटा कार्बन है। अब होगा क्या, मेरे पास था बेस, ठीक है, ये बेस को मैं B- बोल देती हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस था मेरे पास, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस को चाहिए फटाफट, बेस क्या करेगा, बेस क्या निकालता है, बेस को क्या चाहिए होता है, बेस की फेवरेट चीज़ क्या है, भाई बेस की फेवरेट चीज़ है एसिड, ठीक है, सभी जानते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है स्ट्रॉन्ग बेस, तो अब ये क्या करेगा, अब ये बेस ढूंढेगा प्रोटॉन, यार कोई H+ दे दो, कोई H+ दे दो, ये एकदम आओ देखेगा ना तो जाएगा एकदम दन से और प्रोटॉन खींच के ले आएगा। वही E1 में क्या होता था, E1 में मैं वीक बेस लेती थी तो वो वीक बेस की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो जाकर पहले ही प्रोटॉन खींच के ले आए,
वो क्या करता था, वो लीविंग ग्रुप के निकलने का इंतज़ार करता था कि भाई कब लीविंग ग्रुप निकलेगा, कब कार्बोकोटाइन की फॉर्मेशन होगी, कब इंटरमीडिएट स्टेज बनेगा, कब स्टेबल कार्बोकोटाइन बनेगा, और फिर स्टेबल कार्बोकोटाइन के बनने के बाद, स्टेबल कटायन के बनने के बाद बेस प्रोटॉन खींचता था। यहाँ पर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एकदम क्या कहते हैं धूम मचा देगा, ठीक है, एकदम शैतानी कर देगा, वो सीधा जाएगा और सबसे पहले प्रोटॉन को खींचने की कोशिश करेगा। तो प्रोटॉन को यहाँ से खींचने की कोशिश करेगा तो होगा क्या, देखो जब वो यहाँ से प्रोटॉन को खींचने की कोशिश करेगा तो कुछ इस तरह की कहानी होगी कि प्रोटॉन का जो बॉन्ड है वो हो जाएगा काफ़ी लूज़, ठीक है, प्रोटॉन का बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे काफ़ी लूज़। अच्छा, प्रोटॉन का बॉन्ड लूज़ हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ से प्रोटॉन जा रहा है, ठीक है, H प्लस जा रहा है, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो अब जब इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो होगा क्या कि भाई इस कार्बन को, इस कार्बन के पास तो देखो नेगेटिव भी आ गया है, के भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, ठीक है, तो इस कार्बन पे लोड बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा, इस कार्बन को ये पुश करेगा कि भाई अब तुम अपना लीविंग ग्रुप जल्दी से छोड़ दो, लीविंग ग्रुप को जल्दी से छोड़ोगे तो जिससे क्या होगा, ये दोनों अपने चार्जेस, यानी ये वाला जो है अपना चार्ज जो है वो मिनिमाइज कर पाएगा। तो होगा क्या कि बेस के यहाँ अटैक करने से यहाँ से लीविंग ग्रुप को भी जल्दी निकल के जाने की कोशिश होनी पड़ेगी, इस तरह की कुछ कंडीशन आ जाएगी। यहाँ से लीविंग ग्रुप की भी बॉन्ड जो है वो टूटने की कंडीशन में रहेगा, यहाँ से प्रोटॉन का बॉन्ड टूटने की कंडीशन में रहेगा, और इन दोनों के बीच एक नया बॉन्ड बनने की कंडीशन में रहेगा। ये जो स्टेज है, ये जिसमें ना ही कोई बॉन्ड एग्जैक्टली टूटा है और ना ही कोई बॉन्ड एग्जैक्टली बना है, ना ही किसी पर पूरा पूरा चार्ज आया है, कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ी स्लाइट पाई बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आई है और ये बॉन्ड थोड़ा टूटने की कंडीशन में है, ये वाला थोड़ा टूटने की कंडीशन में है, इस तरह की स्टेज को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। फिर क्या होगा, ये है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एक ही तो स्टेप है, ठीक है। फिर क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट तुम जानते हैं सभी लोग के भाई स्टेबल नहीं रहता, ट्रांजिशन स्टेट ब्रेक होने की कंडीशन जल्दी से आ जाती है, तो बिल्कुल वही होगा, ट्रांजिशन स्टेट ब्रेक हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही ये H यहाँ से अलग हो जाएगा, ये X यहाँ से अलग हो जाएगा, और यहाँ कुछ इस तरह की अल्कीन और HX तैयार हो जाएगा। दिस इज़ आर वॉट, दिस इज़ आर E2 मैकेनिज्म, ठीक है। क्या है ये E2 मैकेनिज्म? अब E2 क्यों बोला, वो 2 क्यों आया, बाई मॉलिक्यूलर क्यों आया? भाई बाई मॉलिक्यूलर इसीलिए आया क्योंकि अगर इस रिएक्शन का मैं रेट लिखने जाऊंगी तो रेट तुम सभी जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई किसके, तो उन लोगों के कॉन्सेंट्रेशन के, जो लोग क्या कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, जो लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन के। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये मेरा सबस्ट्रेट यानी कि मेरा अल्काइल हैलाइड और बेस, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बेस की भी पावर 1, अल्काइल हैलाइड की भी पावर 1, तो दोनों की पावर 1 है, इसीलिए रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो भी 1+1 यानी 2 आ गई, और रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी क्या हो गए, इसका एक मॉलिक्यूल यानी 2 मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पर ऑर्डर 2 आ चुका है, इसीलिए मैं इसको E2 कहती हूँ क्योंकि इसका ऑर्डर 2 आ चुका है, इट इज़ अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या हुआ है एक बार फिर देख लेंगे, किसी तरह का इंटरमीडिएट नहीं बना है यहाँ पर। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में फ़र्क होता है, पहले भी बता चुकी हूँ। इंटरमीडिएट वो चीज़ होती है जिसे आइसोलेट किया जा सकता है, जिसके ऊपर पूरा पूरा कोई चार्ज आता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और एनीथिंग। यहाँ पर कोई पूरा चार्ज नहीं आ रहा है, यहाँ पर जस्ट पार्शियल चार्जेस सेपरेट हो रहे हैं,
यहाँ पर किसी तरह का कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ पर थोड़ी पाई कैरेक्टरिस्टिक आई है और यहाँ से सिग्मा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कम हो गई है, यानी यहाँ पर एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर 2 नहीं हुआ है अभी, और यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर अभी थोड़ा 1 से 1 से 1 के आसपास है, यानी 1 से थोड़ा छोटा है, ठीक है। यानी अभी भी वो बॉन्ड्स वहाँ से टूटे नहीं है, बॉन्ड्स वहाँ पर बचे हुए हैं और यहाँ पूरे 2 बॉन्ड एग्जैक्टली बने नहीं है। तो इस तरह की स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, आपको याद होगा SN2 में भी ऐसे ही कुछ ट्रांजिशन स्टेट बना था, ठीक है, यहाँ पर भी वही होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो ये कहानी हो गई, ये मैकेनिज्म हो गई E2 रिएक्शन की, कि भाई इस तरह की मैकेनिज्म हमारी E2 रिएक्शन जो है वो फॉलो करती है। अब देखते हैं कि भाई क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, यानी इसी बात को, ये जो हमने यहाँ पर लिख लिया है इसी को थोड़ा सा हम लोग अंग्रेजी में लिख लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट से हेडिंग डालते हैं अगले पेज पे, ओहो हेडिंग डाल देंगे फीचर्स, ओ फीचर्स बोल दो या फैक्टर अफेक्टिंग बोल दो, जो भी बोलना है फीचर ही बोल दो, चलो फीचर्स ऑफ E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन के फीचर्स, यानी कि भाई E2 रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो E2 रिएक्शन है वो क्या है, तो #point number 1, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि इट इज़ अ बायमोलिक्यूलर, वो एक बायमोलिक्यूलर यानी 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, इट इज़ अ बायमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसी वाली एलिमिनेशन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, बायमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, जो कि एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, विच इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। अब इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट जो है वो फॉर्म कर जाती है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कर जाती है, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, विच इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन विच ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है और फिर हमारी प्रोडक्ट जो है वो बनती है, ठीक है। सो ये थी कहानी E2 रिएक्शन की। एक और चीज़ बतानी थी मुझे E2 रिएक्शन के अंदर आप लोगों को, खैर फैक्टर्स बता देती हूँ अब मैं, कि कौन कौन से फैक्टर्स, यानी कि कैसे कैसे मैं सबस्ट्रेट लूँगी, कैसा मैं बेस लूँगी, क्या लूँगी, जिससे E2 रिएक्शन चलेगी होगी आगे, ठीक है। तो फटाफट से अब हेडिंग डालते हैं फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करेंगे हमारे रेट ऑफ E2 रिएक्शन को, यानी कि हमारा E2 रिएक्शन फास्ट, कब फास्ट होगा, कैसा हमें सबस्ट्रेट लेना चाहिए, कैसा हमें बेस लेना चाहिए, ठीक है, फिर कैसी रिएक्शन ये होती है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो फैक्टर अफेक्टिंग, तो सबसे पहला जो है हमेशा की तरह हमारा सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, हमारा हीरो कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर बात करेंगे। अरे 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 कहाँ जा रहा है भाई, चला ही जाएगा क्या आज। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट यानी हमारा अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल कैसा होना चाहिए। तो भाई E1 रिएक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसा होना चाहिए, E1 रिएक्शन के अंदर हमारा जो सबस्ट्रेट है वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकोटाइन फॉर्म करने वाला होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकोटाइन, क्योंकि वहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था कार्बोकोटाइन, तो इसीलिए हम कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे थे। यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा, यहाँ पर कौन फॉर्म हो रही है, यहाँ पर फॉर्म हो रही है हमारी ट्रांजिशन स्टेट ये, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद फॉर्म हो रही है हमारी अल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कीन जितनी स्टेबल रहेगी बेसिकली उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा हमारा रिएक्शन। अच्छा, अब अल्कीन कब ज़्यादा स्टेबल रहेगी भाई, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कैसे देखते हो, कौन सा फिनोमिना है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देखने के लिए, GOC में सिखाया था याद करो, आई थिंक हम लोग उसको
हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं, याद होगा तुम्हें, तो याद होगा शायद, है ना। तो ऐसा सबस्ट्रेट जो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बना सके वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ज़्यादा स्टेबल अल्कीन मतलब ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन। ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन कब रहेंगे भाई? जब ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, ठीक है। ज़्यादा ब्रांचिंग यानी क्या? ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन वाला। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हायर डिग्री वाला होगा तो चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, हायर डिग्री होगा भाई। अगर कोई टर्शरी सब्स्ट्रेट है तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बना पाएगा ना, तो वो ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट देगा। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मोर सब्स्टिट्यूटेड सब्स्ट्रेट विल फॉर्म मोर स्टेबल अल्कीन। ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ज़्यादा ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड सब्स्ट्रेट जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बनाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। यानी मैं सिंपल ऐसा कह दूँ क्या? ज़्यादा डिग्री तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन भी ज़्यादा। भाई जितनी ज़्यादा डिग्री रहेगी उतने ही ज़्यादा वो लगे रहेंगे, उसको कार्बन लगे रहेंगे, और जितने ज़्यादा कार्बन उसको लगे रहेंगे क्या होगा? जितने ज़्यादा कार्बन उसको लगे रहेंगे, जितने ज़्यादा कार्बन उसको लगे रहेंगे अल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या? बिल्कुल ठीक है। तो जैसे अगर मैं E2 की बात करूँ, E1 के लिए बोलो या SN1 के लिए बोलो या E2 के लिए बोलो, सभी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन पता है तुम्हें? टर्शरी वाले का, फिर सेकेंडरी वाले का, फिर प्राइमरी वाले का, सबका, सब में टर्शरी वाले का ज़्यादा होता है। जबकि याद करो SN2 के लिए हम उल्टा लेते थे, SN2 विल बी फास्टर इन 0 डिग्री और प्राइमरी, जबकि SN1, E1 और अब E2 भी, ये तीनों के लिए मैं कहूँगी कि टर्शरी फास्टर होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्योंकि टर्शरी वाले में दे विल फॉर्म मोर स्टेबल अल्कीन। टर्शरी वाले में अल्कीन ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तो अगर अल्कीन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन फास्टर होगा। मैं देख लूँ मेरे कैमरा मैन ने चालू किया भी है या नहीं। हाँ किया है, किया है, किया है, ठीक है। तो आई वाज सेइंग कि भाई E1 और E2 दोनों ही, ठीक है ना, E1 और E2 दोनों में ही टर्शरी वाला अल्काइल हैलाइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा और फास्टर रिएक्शन करेगा। जबकि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि भाई SN2 में ऐसा नहीं होता है। SN2 में 0 सुपर प्राइमरी, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये ऑर्डर फॉलो होता है। किसमें? SN2 में केवल E1, SN1 और E2, इन तीनों में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये ऑर्डर फॉलो होता है। ये याद रखना है सबस्ट्रेट की कहानी, ठीक है। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट की, विच इज़ द रिएक्टर रिएजेंट, यानी कि हमारा बेस, ठीक है। ये बेस ऐसा होगा ना कि आपको बिल्कुल देखते ही पता लग जाएगा कि E2 रिएक्शन होने वाली है, देखते ही पता लग जाएगा। अगर आप, मैं बेसेस ऐसे बताऊंगी आपको, आपके सामने ये बेस आ गए, यानी आपको बिल्कुल आंखें बंद करके भरोसा हो जाना चाहिए कि भाई साहब E2 रिएक्शन होने वाली है। देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, कैसे बेस कैसा रहेगा, है ना। सेकेंड फैक्टर मैं ले लेती हूँ, नेचर ऑफ बेस, बेस कैसा रहेगा। तो भाई स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्यों? बिकॉज भाई प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इज एब्स्ट्रैक्टेड, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया गया है। क्या स्पेलिंग लिख रही हूँ मैं भाई, क्या हो रहा है ये? प्रोटॉन इज एब्स्ट्रैक्टेड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे वो E1 में वेट करता था कि भाई कब लीविंग ग्रुप जाएगा और मैं कब प्रोटॉन निकालूंगा, तो अगर लीविंग ग्रुप जा रहा है और फिर प्रोटॉन निकल रहा है तो लल्लू बेस भी चल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर वो किसी के लिए वेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वो सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई मैं जाऊँगा और मैं सीधे सीधे प्रोटॉन निकाल के ले आऊँगा पहले ही स्टेप में। तो
आई थिंक ये कुछ टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ होगी ना कि यहाँ पर बेस जो है हमें वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्गली बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है हमारे E2 रिएक्शन के लिए। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम के लिए आपको ना मोस्टली यहाँ पर दिखेगा अल्कोहलिक KOH, मतलब KOH तो होता ही है, KOH इज़ वेरी बेसिक, एवरी वन नोज KOH NaOH है, तो बहुत बेसिक होते हैं। बट इनको घोलने के लिए और इनकी बेसिसिटी को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर अल्कोहल मिलाया जाता है, ठीक है। इवन में देखा होगा सिर्फ अल्कोहल लिया होता है, ठीक है। यहाँ पर E2 के अंदर आपको क्या मिलेंगे पता है, आपको बहुत कॉमन, मोस्ट कॉमन रिएजेंट्स, मोस्ट कॉमन रिएजेंट्स यहाँ पर जो मिलेंगे वो आपको मिलेगा अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, साथ में कोई अल्कोहल मिला दिया, ठीक है। कभी कभी हम इसको ऐसा भी लिखते हैं लाइक C2H5OH अल्कोहल दे दिया और साथ में KOH दे दिया। अब आप बोलोगे ओ माई गॉड इन दोनों का हम क्या करें, बट बेसिकली दिस इज अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH दे सकते हैं या फिर अल्कोहलिक NaOH दे सकते हैं, ठीक है। ये दे दिया, ये दे दिया, तो आंखें बंद करके E2 रिएक्शन होना है, आंखें बंद करके E2 रिएक्शन होना है। कहाँ देंगे ये? ये देंगे अल्काइल हैलाइड्स के केस में, ठीक है। या फिर और आपको दे सकते हैं C2H5O- अल्कोक्साइड, और साथ में दे सकते हैं C2H5O- अल्कोहल, अल्कोक्साइड अल्कोहल। अल्कोक्साइड इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कोक्साइड कोई भी अल्कोक्साइड ले सकते हैं वो, ठीक है। RO- मैं इन जनरल बोल देती हूँ उसको, और साथ में आपको ROH दे देंगे, है ना। बहुत ही फेमस जैसे आइसोप्रोपॉक्साइड होता है या टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड तो इनका इतना फेवरेट है ना, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और साथ में टर्शरी ब्यूटेनॉल, टर्शरी ब्यूटेनॉल यहाँ नहीं लिखते इसको, यहाँ लिख लेते हैं देखो, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये तो इतना फेमस रिएक्शन रिएजेंट है, और साथ में टर्शरी ब्यूटेनॉल ऐसे लिखेंगे, देखो ब्यूट OH ऐसे लिखेंगे। तो टर्शरी ब्यूटेनॉल, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये रिएजेंट हो गया। कोई भी अल्कोक्साइड अल्कोहल के साथ ले लो, फिर अल्कोहलिक KOH ले लो, फिर अल्कोहलिक NaOH ले लो, फिर नॉर्मल कोई इथोक्साइड ले लो इथेनॉल के साथ, आइसोप्रोपोक्साइड ले लेते हैं कई बार, ठीक है ना। आइसोप्रोपोक्साइड ले लेते हैं किसके साथ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ, तो वो भी है, ठीक है। ये हो सकता है रिएजेंट, इस तरह के और बहुत सारे रिएजेंट्स, पर मोस्टली मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलते हैं वो ये रिएजेंट्स होते हैं। ये रिएजेंट्स जहाँ दिखेंगे आंखें बंद करके वहाँ पर E2 रिएक्शन करा लेनी है आपको, ठीक है। E2 रिएक्शन होगी अल्कोहलिक KOH अमंग ये इस इन सब में से बहुत ज़्यादा कॉमन है अल्कोहलिक KOH। अच्छा, इसमें कई बार है ना ये भी सवाल पूछते हैं कि ज़्यादातर हम अल्कोहल के साथ KOH यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम NaOH यूज़ नहीं करते, क्यों? तो एक्चुअली सॉल्युबिलिटी उसका रीज़न है, अगर कभी कहीं आ जाता है तो ध्यान में रखें इसको। KOH की सॉल्युबिलिटी अल्कोहल में बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू NaOH, NaOH की सॉल्युबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती अल्कोहल में। इसीलिए फ्रीक्वेंटली अगर मुझे KOH और NaOH में से किसी को चूज़ करना है तो मैं KOH को चूज़ करूँगी। मैं KOH को ज़्यादा सॉल्यूबल मानती हूँ, मतलब मैं क्या इन जनरल है ना, KOH ज़्यादा अच्छे से सॉल्यूबल होता है, इसीलिए फिर KOH हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो इसीलिए स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड है, ये रिएजेंट्स बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं E2 रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमने सबस्ट्रेट के बारे में बात कर ली, टर्शरी रहेगा तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। बेसिस के बारे में बात कर ली कि भाई ये वाले बेसिस हमको चाहिए है, सॉल्वेंट साथ में अल्कोहल में ले ही रही हूँ। अब क्या आता है? टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर बताया ही है आपको कि भाई टेम्परेचर यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जैसे हमारे E1 में है हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। इसका भी मैं अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने जाऊंगी तो इसका भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखिए मैं बना लेती हूँ यहाँ पे। आई थिंक पेजेस ख़त्म हो गए हैं, तो पेज एक ऐड कर लिया जाए, एक्चुअली 5-6 ऐड कर लिए जाएं, फिर वापस आते हैं पीछे। कहाँ गया मैं? हाँ, यहाँ पे हूँ मैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊँ तो इसका एनर्जी प्रोफाइल भी कुछ ऐसा ही बनेगा, यानी लाइक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, और कुछ इसी तरीके का एनर्जी प्रोफाइल बनेगा। दिस इज़ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज़ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज़ इट्स ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर, ठीक है। ये जो है मेरा, ये हो जाएगा मेरा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज़, ठीक है, और एंडोथर्मिक है, दिख ही रहा है सबको, एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। सो हियर इट इज़ एनर्जी, यहाँ पर आता है एनर्जी वाला स्केल, यहाँ पे आता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला स्टेट। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से इसका एनर्जी प्रोफाइल बन जाता है जिसके अंदर किसी तरह का इंटरमीडिएट नहीं बनता। अब कुछ और भी बातें हैं जो कि मुझे आपको E1 रिएक्शन, सॉरी E2 रिएक्शन को लेकर के बतानी है। हम धीरे धीरे एग्जांपल्स करते हैं और एग्जांपल्स में हम जैसे जैसे जाएंगे तो वो सारी बातें धीरे धीरे खुल खुल के बाहर आएंगी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं विदाउट एनी डिले और हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ इसके साथ अल्कोहलिक KOH, ओके, ठीक है, अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH E2 करेगा, सबको पता है, अल्फ़ा कार्बन ढूंढो रे भैया, ये रखा है अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन कहाँ गया, तो उसका अड़ोसी पड़ोसी दोनों बीटा हो जाएंगे, दोनों में से किसी एक में प्रोटॉन निकलेगा। अब दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, कहीं से भी प्रोटॉन निकाल लो, ठीक है, मैं ऐसे HCl निकाल लूँगी, एक्चुअली ऐसे HCl निकालना गलत होगा, है ना, यहाँ से एक Cl निकालती हूँ, यहाँ से H निकालती हूँ, तो होगा ये कि ये लग गया CH3 और इस तरीके से प्रोपीन बन जाएगा और साथ में HCl। अच्छा ठीक है, सही है, बनाया होगा शायद। अब बात करें कि भाई क्या होगा, तो कुछ और अच्छे एग्जांपल्स लेके देखते हैं। कार्बन कार्बन यहाँ पे ले लिया Cl, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया Cl, और यहाँ पे ले लिया C, ठीक है, यहाँ पे ले लिया H, यहाँ पे ले लिया H, यहाँ पे ले लिया H, यहाँ पे ले लिया, फिर वही बात करेंगे, ये H तो है ही, सबको पता है, फिर वही बात करेंगे, अल्फ़ा ढूंढो और बीटा ढूंढो। तो ये हो गया मेरा अल्फ़ा, ठीक है। अब मेरे पास दो बीटा है, एक ये ब्लैक वाला बीटा है और एक ये रेड वाला बीटा है। तो देखो साथ में ले लो ना अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो अब देखो ज़रा आप लोग कि भाई कौन सा बीटा, ब्लैक वाले बीटा से प्रोटॉन निकलेगा, देखो क्लोरीन तो बीच वाले से निकल जाएगा, ब्लैक वाले बीटा से प्रोटॉन निकलेगा या रेड वाले बीटा से प्रोटॉन निकलेगा, फटाफट कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी से, ब्लैक से निकलेगा या रेड से निकलेगा। बिल्कुल ब्लैक से निकलेगा, ठीक है, ब्लैक से निकलेगा। क्यों ब्लैक से निकलेगा, क्योंकि जब मैं ब्लैक से प्रोटॉन निकालूंगी तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 ये जो रखा हुआ है और यहाँ पे CH3 ये जो रखा हुआ है, ये H as it is, यानी जब मैं यहाँ पर बनाऊँगी तो मेरे पास मोर ब्रांच एल्कीन बनेगी, ठीक है। दूसरी वाली एल्कीन भी आप बना के देख लो, रेड वाले से भी आप निकाल के देख लो, तो वो कुछ इस तरीके की एल्कीन बन जाएगी, सी सी और सी और एच, कुछ इस तरीके की एल्कीन बन जाएगी। ये यहाँ पर मुझे दिख रही है मोर ब्रांच्ड, यहाँ पर ये मुझे दिख रही है मोर ब्रांच्ड है, इसीलिए ये हमारी सेटजेफ एल्कीन है, याद कर लो ज़रा, बताया था नाम, ये है लेस ब्रांच्ड, तो ये मेरी हॉफमैन एल्कीन है, ठीक है ना, हॉफमैन एल्कीन है, तो बताया था नॉर्मल कंडीशंस जब भी होगी तो सेटजेफ एल्कीन विल बी द मेजर वन एंड हॉफमैन एल्कीन विल बी द माइनर वन, ठीक है। और भी तरीके से हम देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि मैम क्लोरीन निकलेगा, आप यहाँ पे क्यों नहीं कार्बोकटायन बना लेते, यहाँ पे आप हाइड्राइड शिफ्ट क्यों नहीं कर लेते, यहाँ पे तो ज़्यादा स्टेबल कटायन बनेगा। पर भाई साहब दिस इज़ E2 रिएक्शन, यहाँ पे कटायन बनेगा ही नहीं, यहाँ पर कटायन बनेगा ही नहीं और ना ही यहाँ पर कोई शिफ्ट होगा, तो यहाँ से ही क्लोरीन निकलेगा और यहीं से बॉन्ड की शुरुआत होगी। फिर आप इधर बनाओ, जो भी है आपका जो मेजर कौन सा होगा अल्किन, तो जो हायर ब्रांच्ड होगा, जो मोर ब्रांच्ड होगा, दैट विल बी द मेजर वन, ठीक है। सो मैंने बता दिया ये सेटजेफ अल्किन। और भी कुछ अच्छे एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो अब जैसे मान लो ये है कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल है मेरे पास, कार्बन क्लोरीन कार्बन, ठीक है, और बाकी ये CH3 है, बाकी देख लो, और यहाँ पर मैं गई, मैंने लिया है C2H5O नेगेटिव अलोंग विथ C2H5OH, ठीक है।
बता ही चुकी हूँ, इस तरह के रिएजेंट स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम बना रहा है, अल्कोक्साइड है वो। फिर क्या होगा, फिर वही होगा, प्रोटॉन निकलेगा, फिर दो अल्कीन बनेगी, क्लोरीन लेना है क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन लेना है ब्रोमीन, जो तुमको पसंद है वो ले लो, ठीक है। फिर वही होगा, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, एक बीटा ये है, एक बीटा अंदर है, दो बीटा हैं, दोनों में से प्रोटॉन निकाल के देखोगे, दोनों में से प्रोटॉन निकाल कर देखोगे, दो अल्कीन बनेगी, एक तो जो बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, ठीक है, और दूसरी वाली जो बनेगी वो कुछ देखो ज़रा कैसी बनेगी, ये है और कुछ इस तरीके की बनेगी, सही है। तो अब आपको देखना है कि कौन सी ज़्यादा ब्रांच वाली है, जो ज़्यादा ब्रांच वाली है दैट विल बी द मेजर वन, और जो कम ब्रांच वाली है दैट विल बी द माइनर वन। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक ब्रांचिंग, दो ब्रांचिंग और ये तीन ब्रांचिंग, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रांचिंग है। सो दिस इज़ हॉफमैन, हॉफमैन है यानी कि ये माइनर हो गया, और ये जो है ये है सेडजेफ मेजर वाली। क्यों मेजर वाली, क्योंकि ये मोर ब्रांच्ड है, ठीक है। सो दिस इज़ अ मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज़ अ माइनर प्रोडक्ट। और एक ले लेते हैं थोड़ा, इसमें पहले मुझे एक नोट तुमको यहाँ पर बताना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है। इस पर मेरा अगले एग्जाम्पल्स, अगले कुछ एग्जाम्पल्स मेरे इस नोट पर डिपेंड करेंगे। ये जो रिमूवल हो रहा है हैलोजन का और मेरे प्रोटॉन का, ये एंटी रिमूवल होता है। एंटी रिमूवल मतलब एंटी प्लेनर रिमूवल, उसको एंटी पेरी प्लानर रिमूवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एंटी पेरी प्लानर रिमूवल, मतलब कि अगर एक ओरिएंटेशन से हेलोजन निकल रहा है तो उसके ऑपोजिट ओरिएंटेशन वाला ही प्रोटॉन निकलेगा, वेज से अगर हेलोजन निकल रहा है तो डैश वाला ही प्रोटॉन निकलेगा एंड वाइस वर्सा। दोनों सेम ओरिएंटेशन से नहीं निकलेंगे, रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों मैम, ऐसा क्यों, चलो बताते हैं। पहले ये लिखते हैं नोट, उसके बाद ठीक है। द हाइड्रो हाइड्रो हैलोजिनेशन नहीं, इसे कहते हैं द डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। शायद आपको ये शब्द याद आया होगा, डीहाइड्रो हैलोजनेशन मतलब हैलोजन और हाइड्रोजन का निकलना। द डीहाइड्रो हैलोजनेशन इज एंटी पेरी प्लानर। कहाँ कहाँ के शब्द लिखा रहे हो मैम, ये कुछ चमकता नहीं है हमको। देखो एंटी पेरी प्लानर दैट मीन्स कि द हैलोजन, जो हमारा हैलोजन है एंड प्रोटॉन, ठीक है ना, मस्ट बी एंटी प्लेनर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से एंटी प्लेनर होने चाहिए। जब दोनों एक दूसरे से एंटी प्लेनर होंगे रिमूवल तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल ले लिया जाए, चलो बढ़ती हूँ सर, इसका एक मस्त एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ये एक रिंग है मेरे पास, ठीक है, या कोई भी रिंग ले लो, सिक्स मेंबर लेना है सिक्स मेंबर ले लो, थोड़ा आसानी करने के लिए थ्री मेंबर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है CH3Br, ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास हाइड्रोजन, और यहाँ पर H1 नाम दे देते हैं इसको, यहाँ पर है मेरे पास H2, ठीक है। तो अब आप लोग बताओगे कि भाई H1 रिमूव होगा, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, लगाओ तुम्हारा फेवरेट अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब तुम बताओ कि मैम H1 रिमूव होगा कि H2 रिमूव होगा। तो देखो जरा एंटी पोजीशन पे कौन है, Br अगर ऊपर है तो उसके एंटी पोजीशन में H1 है, तो दे बोथ विल गेट रिमूव्ड एंड द प्रोडक्ट विल हैव सच, क्या कह सकते हैं उसको, ज्योमेट्री लाइक ऐसा ऐसा कुछ प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाएगा, और साथ में ये SHBr मिलेगा, वो तो है ही, है ना। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हमारे पास बन के तैयार हो जाएंगी। और भी बढ़िया एग्जांपल्स ले सकती हूँ इसको लेकर के, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास, यहाँ पर है मेरे पास ब्रोमीन वेज पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डैश पे लगा हुआ है मेरे पास CH3, और यहाँ पर वेज पे लगा हुआ है मेरे पास, क्या लगाऊँ वेज पे, CH3 ही लगा देते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा बनेगा,
अल्कोहलिक KOH लगा दिया। भाई सभी लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे वेज पे कोई बॉन्ड है तो मेरे पास तीन बॉन्ड होते हैं, दो प्लेन में, एक वेज पे और एक डैश पे। यानी यहाँ पर फिर से, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डैश होगा, और डैश होगा तो उसमें कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, हाइड्रोजन। जबकि यहाँ पर भी डैश होगा और उसमें कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, हाइड्रोजन। अब अगर ब्रोमीन मेरा वेज पे है तो हाइड्रोजन मुझे कहाँ चाहिए होगा, कम ऑन टेल मी, आंसर करो फटाफट। हाइड्रोजन मुझे कहाँ चाहिए होगा, हाइड्रोजन मुझे चाहिए होगा डैश पे। तो ये वाला हाइड्रोजन नीचे वाला हाइड्रोजन निकलेगा कि ऊपर वाला, तो डेफिनेटली ऊपर वाला निकलेगा। ये दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यानी कि ये तो एज इट इज ही रहेगा मिथाइल डैश पे, और यहाँ पर तैयार हो जाएगा, और यहाँ पे वेज पे मिथाइल चिपका रहेगा। खैर अब तो वो वेज बचेगा नहीं क्योंकि वो sp2 कार्बन हो गया है, तो प्लेनर हो जाएगा। तो इस तरीके की कहानी बनेगी। यानी कि जो रिमूवल है दैट शुड बी एंटी पेरी प्लानर, वो एंटी पेरी प्लानर होना चाहिए। ठीक है, और कुछ बढ़िया क्वेश्चंस मेरे पास हैं। यस, एक क्वेश्चन ये है जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पर, देखो बताती हूँ। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, आप रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करें। ए इसमें से ये दिया हुआ है रिंग, रिंग पे है मेरे पास यहाँ डैश पे क्लोरीन, और यहाँ पर है मेरे पास वेज पे मिथाइल, अभी बनाया था वैसा ही कुछ है, और यहाँ पे है मेरे पास डैश पे मिथाइल। ठीक है, उसके बाद बी कुछ इस तरीके से है, फिर से डैश पे क्लोरीन है, ठीक है, एक वेज पे मिथाइल है, और एक डैश पे मिथाइल है, नहीं ये तो हो गया, एक और वेज पे मिथाइल है। ठीक है, उसके बाद सी है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास वेज पे क्लोरीन है, यहाँ पे मेरे पास वेज पे मिथाइल है, और यहाँ पर भी मेरे पास वेज पे मिथाइल है। तो सबसे फास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन किस में होगी वो बताइए आप लोग। तब तक मैं एक और क्वेश्चन फटाफट से ले लेती हूँ यहाँ पे, मैं फटाफट से क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ और आप लोग फिर उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखेंगे ये क्वेश्चन। ये एक और क्वेश्चन मेरा रेडी हो गया है, और ये यहाँ पर लगाया मैंने अल्कोहलिक KOH। ओके, वेरी ब्यूटीफुल अगेन। सो आई होप आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया होगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको जो दिया हुआ है, यहाँ पर मेरे को डैश पे क्लोरीन दिया हुआ है, यानी मेरे को वेज पे हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो वेज पे हाइड्रोजन कहाँ है, तो यहाँ तो वेज पे मिथाइल है, तो यानी वेज पे हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पर है मेरे पास वेज पे हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर डैश पे क्लोरीन चाहिए तो वेज पे हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पर भी डैश पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी डैश पे हाइड्रोजन है, यानी वेज पे हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी यहाँ पर रिएक्शन होगी ही नहीं, बहुत मुश्किल में होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे डैश में हाइड्रोजन चाहिए, हाँ मज़ा आ गया, यहाँ पर तो मेरे दोनों हाइड्रोजन डैश में। तो सबसे इजीली असेसिबल रिएक्शन कहाँ हो रही है, वहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो दोनों में पॉसिबल है, यहाँ एक ही जगह है और यहाँ पे है ही नहीं, तो सबसे फास्टर रिएक्शन शायद सी में होगी, और सबसे घटिया रिएक्शन बी में होगी। तो सी ए बी, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही अब अगर नीचे वाले में देखूँ तो एंटी रिमूवल करना है मुझे। अब एंटी रिमूवल करना है तो क्या होगा, देखो एंटी रिमूवल अगर करना है तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये कुछ ऐसे होंगे, ये दोनों भी जो हैं ये कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, तो अब मैं बताऊँ कि एंटी रिमूवल है और अल्कीन कैसा है, MAT, मैट, टैम,
हाँ याद होना चाहिए ना, टैम कार का यूज़ यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे यूज़ होने वाला है टैम का, एंटी रिमूवल है ठीक है, और ये कंपाउंड जो है वो मीज़ो मीज़ो टाइप दिख रहा है, एग्जैक्टली मीज़ो नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं है ये दोनों ठीक है, बट हाँ डेफिनेटली ये एच और बी आर जो है वो एक ही साइड है, यानी जो रिमूव करने वाली चीज़ें हैं वो एक ही साइड है, और मुझे एंटी रिमूवल करना है, तो इसीलिए रिमूव करने वाली एक ही साइड पे है और एंटी रिमूवल करना है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर मुझे ट्रांसल्कीन की प्राप्ति होगी ठीक है। आप कुछ इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि आप जैसे कुछ लोग बोलेंगे ना यहाँ पे कि मैम यहाँ तो मुझे कहीं से भी एंटी, मतलब मुझे तो मीजो कंपाउंड दिख नहीं रहा है, फिर आपने कैसे ले लिया, तो भाई जिसको रिमूव करना है, अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन अगर इस कार्बन पे है तो इस कार्बन का तो हाइड्रोजन ही रिमूव करूँगी ठीक है, तो अब जिसको जिन दो चीज़ों को रिमूव करना है अगर वो सेम साइड पे है, सेम साइड पे है और एंटी रिमूवल है, तो आई विल गेट द ट्रांसल्कीन ठीक है, और अगर ये ऑपोजिट साइड पे होते और एंटी रिमूवल करना होता तो मुझे मिलता सिसल्कीन ठीक है। तो इस तरीके से कार और टाइम यहाँ पे भी चल जाएगा हमारा। उसके बाद कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस ठीक है। अच्छा बढ़िया क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ और चीज़ें मुझे जैसे बतानी है, एक और मुझे आपको पॉइंट लिखाना था, तो मैं आगे चलती हूँ और एक और नोट में यहाँ पे लिखाऊंगी कि भाई E2 रिएक्शन जो है शोज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ओ हो, क्या शब्द है, तो खतरनाक एकदम, डर गए। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। नाउ व्हाट इज़ दिस काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, समय देखें कितना हो गया, 3 ऑलरेडी बजने वाला है ठीक है। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, नाउ व्हाट इज़ दिस काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। काइनेटिक का मतलब होता है स्पीड ठीक है, आइसोटोपिक का मतलब होता है आइसोटोप के वजह से, यानी E2 रिएक्शन में अगर मैं कोई आइसोटोप वाला झंझट करती हूँ तो उसकी स्पीड इफेक्ट होगी। हाँ बिल्कुल होगी ठीक है। देखो देखते हैं, यहाँ पर एक मस्त वाला एग्जांपल लेते हैं, ये क्लोरीन ले लिया, ऐसा 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 वेज पे ले लिया Cl ठीक है, यहाँ डैश पे, ले लिया ड्यूटेरियम, और वेज पे ले लिया हाइड्रोजन, यहाँ भी डैश पे ले लिया ड्यूटेरियम और वेज पे ले लिया हाइड्रोजन ठीक है। ये एक रिएक्शन हो गई, और दूसरी रिएक्शन ऐसी ही करते हैं हम, यहाँ पे फिर वेज पे ले लेते हैं क्लोरीन, और यहाँ डैश पे ले लेते हैं हाइड्रोजन, और वेज पे ले लेते हैं ड्यूटेरियम ठीक है, जो भी लेना है फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में मस्त लगाते हैं अल्कोहलिक KOH, इसमें भी लगाते हैं बढ़िया से, इसमें भी लगाते हैं ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो जब अल्कोहलिक KOH में यहाँ लगाऊंगी तो क्लोरीन एक्चुअली वेज पे है तो डैश से हाइड्रोजन सीक करने की कोशिश करेगा, पर यहाँ भी डैश में हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी दोनों बीटा पे डैश में हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, पर हाइड्रोजन का भाई यानी कि ड्यूटेरियम अवेलेबल है, तो क्लोरीन को जो भी मिलेगा हाइड्रोजन उसका भाई वो भी है, जो भी है वो उसको लेके निकल लेगा, तो यहाँ से बेसिकली क्लोरीन कहीं से तो भी ड्यूटेरियम लेकर के निकलेगा ठीक है। ड्यूटेरियम लेकर के निकलेगा तो क्लोरीन कुछ ऐसा बॉन्ड यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे मान लो Cl के साथ D जो भी है वो निकल गया ठीक है, जबकि यहाँ पर ड्यूटेरियम भी है हाइड्रोजन भी है, तो क्लोरीन पहले निकलेगा जो भी है, अब हाइड्रोजन यहाँ पे डैश पे है ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा, फिर यहाँ पे इस तरीके की रिएक्शन होगी। ये जो है इसको मैं बोल देती हूँ रिएक्शन RO-R1 से चलेगी, या इसको मैं R1 बोल देती हूँ, रेट जो है इसका R1, इसका रिएक्शन का रेट R2। यहाँ पर जो है मेरा निकला है HCl, और यहाँ पर मेरा जो निकला है वो है DCl ठीक है, ड्यूटेरियम क्लोराइड, और यहाँ पे निकला है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पर ड्यूटेरियम वाला बॉन्ड टूटा है और यहाँ पे हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटा है, तो मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर लिखूँ, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट कौन हुआ है, तो डेफिनेटली फास्टर जो है वो मेरा R2 हुआ है, R1 मेरा स्लो हुआ है ठीक है, R1 स्लो हुआ है, क्यों, क्योंकि R1 में ड्यूटेरियम निकल रहा था, ड्यूटेरियम निकल रहा था, और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ठीक है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की अगर बात करूँ ठीक है, तो CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है CH बॉन्ड से,
तो सी डी बॉन्ड तोड़ने में समय लगता है, सी एच बॉन्ड जल्दी टूटता है, इसीलिए आर टू जो है वो मेरा फास्ट हुआ है किसके कंपैरिजन में, आर वन के कंपैरिजन में। तो इसको ही मैं एक्चुअली काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बोलती हूँ। काइनेटिक मतलब स्पीड में फ़र्क पड़ गया जैसे ही हमारा आइसोटोप एंटर हुआ वैसे ही, है ना। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें अभी मुझे ई टू रिएक्शन के अंदर ऐड करना था। पहले तो बता दिया कि एंटी रिमूवल होता है, दूसरा बता दिया कि आइसोटोप लाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में फ़र्क पड़ जाएगा। तीसरी बात जो है वो एक्चुअली हॉफमैन और सेडज़ेफ अल्कीन के बारे में है कि कब हॉफमैन अल्कीन, क्या हमेशा हॉफमैन अल्कीन ही मेजर होगा, क्या क्या कभी कोई ऐसी कंडीशन नहीं आएगी क्या जब सेडज़ेफ अल्कीन मेजर होता है, आएगी। ऐसी भी कंडीशन आती है, मतलब सॉरी उल्टा कह गई एक्चुअली मैं, हमेशा अब तक हमने जितने भी बार देखा हमेशा सेडज़ेफ अल्कीन ही मेजर हो रहा था, तो क्या हमेशा मैम ऐसी ही कंडीशन आएगी क्या कि सेडज़ेफ अल्कीन मेजर होगा, क्या कभी ऐसी कोई कंडीशंस नहीं आने वाली है जब हॉफमैन मेजर हो रहा है, आएगी। वो कुछ लीविंग ग्रुप्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक लीविंग ग्रुप्स होते हैं और कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स होते हैं, बेसिस होते हैं, उनके प्रेजेंस में हॉफमैन अल्कीन मेजर हो जाता है। बताऊंगी अभी, ठीक है, अगला पॉइंट हम वही डिस्कस करेंगे। तो अभी वाले एग्जांपल्स में हमने ये देखा कि कैसे हमें जो आइसोटोप्स होते हैं वो हमारी रेट ऑफ ई टू रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि क्योंकि जो हमारा ई टू रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप में होता है। अब आप जैसे देख रहे होंगे कि एक जगह मैंने हाइड्रोजन निकाला वो फास्ट हो गई, ड्यूटेरियम निकाला वो स्लो हुई, तो ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, कि भाई आइसोटोप लेने से क्यों रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये एच बॉन्ड भी जो टूटना है, अब जैसे यहाँ पर देखोगे आप तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाला भी जो बॉन्ड टूटना है ये भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ही टूटना है क्योंकि एक ही स्टेप होती है इसके अंदर। तो अब सी डी बॉन्ड और सी एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है बेसिकली कि कौन सा फास्ट टूटेगा और कौन सा स्लो टूटेगा, तो सी डी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है शायद, तो इसीलिए फिर ये वाला जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा और ये वाला जो है जिसमें एच निकल रहा है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। सो दिस वॉज द थिंग जहाँ पर आइसोटोप्स के कारण हम लोगों का जो है रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट कर जाता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने तुम्हें कुछ बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ ऐसे रिएजेंट्स भी होते हैं जो कि हॉफमैन प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई सारे के सारे प्रोडक्ट एवरी टाइम जो आ रहे थे सेडज़ेफ प्रोडक्ट ही मेजर आ रहा था, हर बार सेडज़ेफ प्रोडक्ट ही मेजर आ रहा था। तो आप लोगों ने मुझसे, कुछ लोगों ने पूछा भी था कि मैम हर बार सेडज़ेफ प्रोडक्ट ही मेजर आता है क्या, तो फिर मैंने बोला था कि नहीं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जब हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर आता है। तो देखते हैं ज़रा कौन सी वाली ऐसी कंडीशंस होती हैं, चलते हैं हमारे अगले पेज पे, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो लेते हैं फटाफट, एक नोट लिखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट नोट एक्चुअली वो बातें जो है जिसमें सेडज़ेफ प्रोडक्ट मेजर होता है वो ऐसी चीज़ें होती है, वो ऐसी कंडीशंस होती हैं कि कुछ लीविंग ग्रुप्स के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे फ्लोरीन जो हमारा लीविंग ग्रुप है ना, पुअर लीविंग ग्रुप है, सबको ही पता है, ठीक है। तो जब फ्लोरीन लीविंग ग्रुप होता है तब हमारा हॉफमैन जो है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। ऐसे ही SR2 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, ऐसे जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, SR2 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, जब इस तरह के टर्शरी अमीन और अमोनियम और SR2 पॉजिटिव, इस तरह के जब जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ये जब लिविंग ग्रुप्स होते हैं तो ऐसी कंडीशंस में हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर हो जाता है। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, व्हेनेवर फ्लोरीन NR3 पॉजिटिव और SR2 पॉजिटिव आर लीविंग ग्रुप्स, देन हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा will be major product, ये कहलाएगा major product। जब Hoffman product जो होगा वो होगा major product। कब?
जब लीविंग ग्रुप होंगे NR3 पॉजिटिव, जैसे SR2 पॉजिटिव, फ्लोरीन, इस तरह के, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, आप बोलो तो। वैसे एक चीज़ और मैंने बतानी थी आप लोगों को, एक और कंडीशन है जिसमें हॉफमैन मेजर होता है, एक और कंडीशन है व्हेन बल्की बेसिस, इसमें मोस्टली बल्की बेसिस यानी हैवी बेसिस, ठीक है, हैवी बेसिस। इसमें मोस्टली एग्जांपल के तौर पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड अलोंग विद टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आर यूज्ड, ठीक है। जब हैवी बेसिस को यूज़ किया जाता है, बल्कि बेसिस को यूज़ किया जाता है, तभी भी देन ऑल्सो हॉफमैन प्रोडक्ट, तभी भी हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर होता है, तभी भी हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर होता है, ठीक है। इसके कुछ अच्छे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे मान लो ये है हमारा यहाँ पे फ्लोरीन चिपका हुआ है, यहाँ से मैं ले रही हूँ सिंपल अल्कोहलिक KOH, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, ये है, ये मेरा ब्रोमीन चिपका हुआ है, यहाँ से इसको ले लेती हूँ अल्कोहलिक KOH। अब यहाँ पर भी दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ आर अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। आई होप दिस विल बी विजिबल टू यू, लेट मी चेक। अल्फ़ा कार्बन हमारे हैलोजन वाला कार्बन है, ठीक है। उसके अड़ोस पड़ोस वाले दोनों जो हैं वो बीटा होंगे। अब नहीं लिख रही हूँ वाइट से, रेड से लिखते हैं, ठीक है। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। दोनों प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर भी बनाऊँ तो ये भी एक प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पर भी बनाऊँ तो ये भी एक प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर भी बनाऊँ तो ये भी एक प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पर भी बनाऊँ तो भी ये वाला एक प्रोडक्ट बनेगा। फ्लोरीन के केस में ये, ऑल दो ये सेट्ज़ेफ अल्कीन है, ऑल दो ये मोर ब्रांच्ड अल्कीन है, ऑल दो ये हॉफमैन अल्कीन है, पर फ्लोरीन के केस में ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा माइनर प्रोडक्ट, जबकि ब्रोमीन के केस में ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे जो बात मैं आपसे इस नोट में कहना चाह रही थी, कि जब भी फ्लोरीन, फिर याद कर लो, रट लो, फ्लोरीन NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, इस तरह के ग्रुप्स, ठीक है, मोस्टली तो यही तीन, इस तरह के ग्रुप्स जब मुझे दिए होंगे तब मेरे पास जो क्या कहते हैं उसको, अल्कीन होगी, हॉफमैन अल्कीन मेरी मेजर प्रोडक्ट होगी, ठीक है, और सेट्ज़ेफ अल्कीन मेजर प्रोडक्ट नहीं होगी। NR3 पॉजिटिव को लेकर भी एग्जाम्पल दूंगी, बहुत ही ब्यूटिफुल एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल्स पहले इसको लेकर ले लेते हैं, ठीक है। पेजेस लिए जाएं, देखो जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन लिया हुआ है, और यहाँ पे साथ में ले लो CH3O नेगेटिव अलोंग विद CH3OH, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, कम ऑन टेल मी फास्टर, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। यस, सो हॉफमैन अल्कीन विल बी द मेजर वन, दो प्रोडक्ट बनेंगे, अल्फ़ा है एक इधर भी एक इधर भी, तो एक तो इस तरह की अल्कीन बनेगी और दूसरी इस तरह की अल्कीन बनेगी। डेफिनेटली ये सेट्ज़ेफ है, ठीक है, एंड ये हॉफमैन है, अभी बताया था फ्लोरीन के केस में हॉफमैन जो होगा वो मेजर होगा, सेट्ज़ेफ मेजर नहीं होगा, पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है। और इस तरह के और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बढ़िया सी एक यहाँ पर ये मुझे दिया हुआ है, ओके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ इसको, मैं अगर लेके जाऊँ तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ, देखो मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, ध्यान से देखना कौन सा रिएजेंट है ये, देखो फटाफट क्या है बताओ जरा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल अलोंग विद टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। हीट हम करेंगे क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन है, एक्चुअली हर क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा भाई, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, मोटा, एकदम मोटा बेस है वो, ठीक है, एकदम हैवी बेस है, होगा क्या कि भाई अब ये वाला प्रोटॉन निकाला जाए, देखो जरा
कलर दूसरा लिखती हूँ मैं इसका, ठीक है। अब ये वाला प्रोटॉन निकाला जाए, रेड ब्लैक कलर का प्रोटॉन निकाला जाए, या ये रेड वाला प्रोटॉन निकाला जाए, तो भाई बेस है बहुत हैवी है, ठीक है। अब ये इतना बल्कि बेस इजीली एक्सेसिबल प्रोटॉन पे अटैक करेगा, वो प्रोटॉन जो बहुत इजीली एक्सेसिबल होगा, कम स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, वहाँ जा करके ये रिमूव कर देगा उसको। तो डेफिनेटली ये वाला प्रोटॉन ब्लैक वाला तो दो दो मिथिल ग्रुप से हिंडर्ड है, तो इनमें से ही किसी एक को वो निकाल लेगा, यहाँ से एच जाएगा, यहाँ से बी आर, किसी एक को, मतलब जो एंटी पोजिशन पे होगा उसको। इस तरीके से वो जैसे ही रिमूव करेगा तो कुछ ऐसा डबल बॉन्ड यहाँ तैयार हो जाएगा और ये ग्रुप वैसा ही रह जाएगा, यानी अगेन सेडजेफ अल्कीन नहीं, मेरा हॉफमैन अल्कीन जो रहेगा वो मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। हॉफमैन अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ बल्की बेसिस, हॉफमैन अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ बल्की बेसिस, इन केस ऑफ NR3 पॉजिटिव लाइक ग्रुप्स, ठीक है, इन केस ऑफ NR3 पॉजिटिव लाइक ग्रुप्स। तो अब ये मैम आपने तो फ्लोरीन वाले ही एग्जाम्पल कराए, आपने तो NR3 पॉजिटिव वाला कोई एग्जाम्पल करवाया ही नहीं, अभी करवाती हूँ। एक एक्चुअली एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है विच इज़ कॉल्ड हॉफमैन्स अल्काइलेशन, या इसको हम हॉफमैन एलिमिनेशन भी कहते हैं, दोनों चीज़ें कह सकते हो, हॉफमैन एलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हो, हॉफमैन अल्काइलेशन भी कह सकते हो। बहुत ही अच्छा है एक्चुअली, वो सीरीज ऑफ रिएक्शन है। इस मेथड से बेसिकली मैं अल्कीन भी बनाती हूँ, इस मेथड से जो मैं अभी आगे सिखाने वाली हूँ आपको, और मैं अमाइन भी बनाती हूँ। अमाइन मतलब पता ही आपको NH2 लगता है, प्राइमरी अमाइन भी बनाती हूँ, सेकेंडरी अमाइन भी बनाती हूँ, टर्शरी अमाइन भी बनाती हूँ, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनाती हूँ। देखो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम बताती हूँ, फटाफट से हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट पेज लेकर के। कहाँ गया भाई? हाँ, सो फटाफट से हेडिंग डालेंगे हॉफमैन्स अल्काइलेशन, हॉफमैन्स अल्काइलेशन भी कहते हैं इसको और हॉफमैन एलिमिनेशन भी कहते हैं, दोनों चीज़ें कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इस मेथड से मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो बढ़िया कलर ले लिया एक और सुंदर सा, फर्स्ट पॉइंट हैशटैग पॉइंट नंबर वन, फ्रॉम दिस मेथड हम इस मेथड से वी कैन फॉर्म, हम फॉर्म कर सकते हैं प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन फॉर्म कर सकते हैं, सेकेंडरी अमाइन फॉर्म कर सकते हैं, टर्शरी अमाइन फॉर्म कर सकते हैं, एंड ऑल्सो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट भी हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब हम उस क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं, किसको हीट करना है भाई साहब, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट को जब आप हीट करोगे तो हमें हॉफमैन अल्कीन, ठीक है ना, मिलता है ऑन हीटिंग क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। जब हम क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं वी गेट हॉफमैन अल्कीन, हमको हॉफमैन अल्कीन मिलता है एज अ मेजर प्रोडक्ट, हमको हॉफमैन अल्कीन मिलता है एज मेजर प्रोडक्ट। अब मैम क्या है ये कहानी, हमें समझ में नहीं आई, तो देखो भाई बताती हूँ। देखो बढ़िया एग्जांपल लेते हैं एक, इसके लिए मुझे लेना पड़ता है अल्काइल हैलाइड, ठीक है, क्या लेना पड़ता है बच्चों, अल्काइल हैलाइड, और वो भी मुझे एक्सेस में लेना पड़ता है, ठीक है, और मुझे साथ में उसके मिलाना पड़ता है अमोनिया। तो अब जैसे जैसे अमोनिया भाई बेस का काम भी करता है, ठीक है, जैसे जैसे अमोनिया को मैं एक्सेस वाले इसके साथ मिलाते जाती हूँ, वैसे वैसे रिएक्शन होती जाती है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, वो अटैक करता जाएगा इस कार्बन पे, वो अटैक करता जाएगा इस कार्बन पे और हैलोजन निकल जाएगा, SN रिएक्शन होगी, SN2 टाइप की होगी, बिकॉज अमोनिया इज़ अ बेस एज वेल एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो होगा क्या, ये वाली चीज़ जो है ये इधर अटैक करेगी तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, SN1 तो होगा नहीं। तो कैसा रिएक्शन हो जाएगा, देखो CH3 यहाँ पर आएगा, CH2 फिर आएगा N,
ठीक है ना, एन यहाँ पे था एच, और एच क्योंकि नाइट्रोजन भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, नाइट्रोजन ने जब एक नया बॉन्ड बनाया है तो उसको भी अपना हाइड्रोजन एलिमिनेट करना पड़ेगा। बेसिकली इट इज़ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन। यानी यहाँ पर देखो क्या हुआ है, इसको मैं अगर थोड़ा स्टाइल से लिखूँ तो यहाँ पर ये वाला जो एच एक्स है ये रिमूव हो चुका है, ये वाली चीज़ यहाँ से रिमूव हो चुकी है, एच एक्स रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर क्या मिल गया है, देखो मुझे यहाँ पर मिल गया है मेरा प्राइमरी अमाइन, अगर आप देख पा रहे हो तो दिस इज नथिंग बट प्राइमरी अमाइन। फिर भाई अमोनिया यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट किया था, और अल्काइल हैलाइड मेरे पास एक्सेस में है, अगर मैं अल्काइल हैलाइड एक्सेस में ना लूँ तो रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अमोनिया ने रिएक्ट उस पर अटैक कर दिया, रिएक्शन स्टॉप हो गई। पर मैंने तो क्या किया था, डब्बे में मैं अल्काइल हैलाइड डालती ही जा रही हूँ, तो अभी भी मेरे पास यहाँ लोन पेयर है ही, तो ये फिर अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, ये फिर अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा। तो ठीक है भाई लो, फिर से अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा, तो फिर इसने लिया CH3 CH2 N लोन पेयर HH। एक काम करते हैं, इसको एक सेपरेट स्टेप में लिखते हैं, ठीक है, फिर से इसको एक सेपरेट स्टेप में लिखते हैं अगले पेज पे। ये है मेरे पास CH3 CH2, ये है NH2, ठीक है, और मेरे पास है साथ में CH3 CH2X, ये यहाँ जाएगा, फिर से वही होगा, एच एक्स निकल जाएगा जैसे पहले निकला था, फिर ये इस पर अटक जाएगा आके, क्या बचेगा देखो CH3 CH2, अब N दो एच थे, एक ही एच बचा है, दूसरी जगह आया है CH2 CH3 और आया है एच एक्स। अब क्या है, अब की बार बन गया सेकेंडरी अमाइन, अभी भी मुझे शांति नहीं मिली, मैंने और एच एक्स ऐड करना है, और आर एक्स ऐड कर दिया, और आर एक्स ऐड किया, फिर क्या हुआ भाई, फिर से वही चीज़ होगी, देखो फिर और आर एक्स ऐड करूँगी, फिर वही होगा, फिर वही वो आएगा, अब न्यूक्लियोफाइल बन के CH3 CH2N, ये H, ये CH2 CH3, और साथ में मैंने क्या ऐड किया था CH3 CH2 और Cl ऐड किया था, फिर से ये HCl रिमूव हो जाएगा, ये उस पर लग जाएगा जाके, फिर से क्या बनेगा देखो CH3 CH2, ये N, फिर ये एक और बार, और ये एक और बार, ये क्या है बोलो बच्चों ज़रा, ये है मेरा टर्शरी अमाइन। यहाँ नहीं रुकेगी रिएक्शन, यहाँ नहीं रुकेगी रिएक्शन, और साथ में एच एक्स भी तो है, टर्शरी अमाइन ठहरा बेस, भाई लोन पेयर भी है और एच एक्स ठहरा एसिड, रिएक्शन तो होनी है ना यार, मुझे बताओ एसिड और बेस की रिएक्शन तो होगी, टर्शरी अमाइन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, CH3 CH2, इसको मैं इसे तीन बार लिख देती हूँ, N लोन पेयर और साथ में एच एक्स, एच पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, क्या होगा ये लोन पेयर इस एच पॉजिटिव को दे देगा, बनाएगा क्या N, N देखो जरा N CH3 CH2 कितनी बार, तीन बार, N पॉजिटिव H, यानी यहाँ पे लगा देती हूँ मैं यहाँ पे H और यहाँ पे X नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड क्वार्टरनरी, दिस इज कॉल्ड अमोनियम सॉल्ट, बेसिकली अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। अच्छा ये HX के अलावा, ये HX के अलावा ये RX के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ये RX यानी ये CH3 CH2 Cl के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, जब ये CH3 CH2 Cl के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, तब यहाँ पे एक और CH2 यहाँ पे एक और CH2 CH3 जुड़ जाएगा, तो अब ये देखो ये बराबर ये चार जुड़ गए ना, चार जुड़ गए, तो चार जुड़ गए यानी ये क्या हो गया, ये हो गया क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, इसी को बोलते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब ये जो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है ये क्या करेगा, ये जब मैं इसको हीट करूँगी ये अभी कुछ नहीं करेगा, ये लाल से पड़ा रहेगा, ठीक है, ये बन गया, ठीक है, ये स्टेबल है। अब जब मैं इसको हीट करूँगी, अब जब मैं इसको हीट करूँगी, देखो कहानी देखो, CH3 CH2 N पॉजिटिव CH2 CH3 फिर इधर CH2 CH3 फिर इधर CH2 CHHH, ध्यान से देखो, अब मैं जब इसे हीट करूँगी तब क्या होगा, तब होगा भाई साहब एलिमिनेशन, हीट करो एलिमिनेशन होगा, और NR3 पॉजिटिव, ये देखो NR3 पॉजिटिव विल एक्ट एज अ लीविंग ग्रुप, विल एक्ट एज अ
लीविंग ग्रुप एंड इट विल फॉर्म अ हॉफमैन एल्कीन। हाँ बिल्कुल, इस कार्बन से ये निकला तो इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, समझ में आता है, उस कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये दो कार्बन की एल्कीन यहाँ फॉर्म हो जाएगी और बाद में जो चीज़ें हैं वो सारी मिल करके वही NR3 पॉजिटिव H ऐसा कुछ जो भी है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आता है, समझ में आता है। इस तरह की चीज़ यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से ये टर्शरी अमीन निकलेगा। क्या किया, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट ने हीट करने पर बनाई कौन सी एल्कीन, हॉफमैन एल्कीन। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो आपने एग्जांपल ही ऐसा दिया कि यहाँ पे तो चॉइस ही नहीं था कुछ और बनाने का, और एग्जांपल्स दूंगी ना अभी। क्या हुआ था यहाँ पे एक जनरल, एक बार फिर से देखेंगे मैम, बहुत बड़ा था ये, कुछ चमका नहीं हमको, कुछ नहीं, बहुत ईजी। RX NH3 के साथ रिएक्ट किया, प्राइमरी अमीन बना। फर्दर RX NH3N मतलब प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट किया, सेकेंडरी अमीन बना। सेकेंडरी अमीन ने फिर RX के साथ रिएक्ट किया, टर्शरी बना। फिर उसको मैंने रिएक्ट कराया RX के साथ, क्वार्टरनरी अमीन बन गया। ठीक है ना, फिर क्वार्टरनरी अमीन बन गया, मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको हीट कर दिया। फिर जैसे ही मैंने उसको हीट किया, वैसे ही क्या हुआ भाई, जैसे ही मैंने उसको हीट किया उसने बना लिया, क्या बना लिया बोलो भाई, उसने बना लिया मेरा वो क्या कहते हैं उसको, हॉफमैन एल्कीन। ठीक है, सो बाय दिस मेथड ऑल्सो वी कैन फॉर्म हॉफमैन एल्कीन। अगर मैं आपको एक जनरल वे में ये रिएक्शन बताने जाऊँ तो देखो जरा क्या हुआ, RX ने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, फॉर्म किया RNH2 प्राइमरी अमीन, ठीक है, प्राइमरी अमीन और HX। फिर उस प्राइमरी अमाइन ने फर्दर RX के साथ रिएक्ट किया, फॉर्म किया सेकेंडरी अमीन और HX। फिर उस सेकेंडरी अमीन ने फर्दर RX के साथ रिएक्ट किया, बनाया टर्शरी अमीन और HX। फिर उस टर्शरी अमीन ने फर्दर RX के साथ रिएक्ट किया, बनाया R4 पॉजिटिव X नेगेटिव क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। फिर उस R पॉजिटिव ये जो है मेरा क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, इसको मैंने हीट किया तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बना हॉफमैन एल्कीन। आई होप अब चीज़ें सम अप हो गई होगी, शायद कुछ बढ़िया क्वेश्चंस इसके ऊपर हम करेंगे, टेंशन नहीं लो, कुछ काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर वो करेंगे, और अगर कंफर्टेबल नहीं रहोगे तो और अगले क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं इसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस फटाफट से। जैसे कि CH3Br और इसको आप रिएक्ट करो। अच्छा ये तो ओके, ये तो हम लोगों ने कर लिया, अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं फिर। लाइक सेकेंडरी अमीन CH3I, ठीक है ना, इसको रिएक्ट करवाया है हमने एक्सेस में, और फिर उसके बाद इसको रिएक्ट करवाया है हमने एक्सेस में, और फिर उसके बाद हमने उसको Ag2O के साथ, Ag2O moist के साथ रिएक्ट करवाया है ना। पहले यहाँ पर Ag2O moist के साथ हम रिएक्ट नहीं करवाएंगे, पहले यहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, पहले यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बना है X, फिर कुछ Ag2O moist के साथ हमने उसको रिएक्ट करवाया है, Y बना है, फिर हमने उसको हीट कर दिया है, Z अल्कीन बन जाएगी। तो फटाफट से हम, कितना टाइम हो गया, टाइम, हाँ बस 5 मिनट और लगेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना, उसके बाद फिर फटाफट से, सर की क्लास है एक्चुअली, तो कर लिया होगा आप लोगों ने शायद। यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप अमाइन देखेंगे तो मुझे सेकेंडरी अमाइन दिखाई दे रहा है, सेकेंडरी अमाइन को मैंने अगर इसके साथ रिएक्ट किया है तो आप क्या करोगे, एक्सेस वाला है तो पहले स्टेप में बनाओगे क्या टर्शरी, और फिर उसके बाद वाले स्टेप में बनाओगे क्वार्टरनरी, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ से लेके चलूँ रिएक्शन को, तो N यहाँ पे H CH3I
तो ये बनेगा कुछ एन, ये बनेगा पहले स्टेप में तो टर्शरी, ठीक है ना। उसके बाद फर्दर मैं इसे रिएक्ट कराऊंगी CH3I से, तो ये बनेगा क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यानी एन पॉजिटिव। यहाँ पे एक CH3, एक CH3 और साथ में लगेगा आई नेगेटिव, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये एक्चुअली बन चुका है मेरा एक्स। अब आप देख रहे होंगे कि मैम ये Ag2O मॉइस्ट, ये तो कुछ नया ही कहानी है, आपने तो ये तो कभी बताया ही नहीं था हमको ऐसा भी होता है। अरे थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे आई है, हैलोजन है। हैलोजन में अगर मैं सिल्वर सॉल्ट या सिल्वर ऑक्साइड या ऐसा कुछ लगा देती हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो सिल्वर आयोडाइड वहाँ पे प्रेसिपिटेट होने के लिए उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड को मैंने प्रेसिपिटेट कर दिया है, तो यहाँ पर जाएगा एन, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये आएगा CH3 और CH3 प्लस AgI निकल आएगा। अब इस चीज़ को एक्चुअली ये मेरा बन चुका है वाई, इस चीज़ को मैंने हीट करना है। अब बन चुका है क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट, कर दो उसे हीट। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर तो अल्कीन कोई बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो एक ही कार्बन है, यहाँ पे भी बन नहीं सकता क्योंकि एक ही कार्बन है, तो कहाँ बनेगा भाई? तो यही बनेगा, क्योंकि ये वाला ही बॉन्ड टूट सकता है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ अल्कीन बनेगा, या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ अल्कीन बनेगा, यानी इस तरीके से कुछ अल्कीन बनेगा। ये बन गया अल्कीन और बाकी रिंग जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी कुछ ऐसे। तो ये बन गया मेरा अमाइन, कौन सा वाला? टर्शरी वाला। तो ये विद इन द मॉलिक्यूल टर्शरी अमाइन भी बन चुका है और अल्कीन भी बन चुका है, क्योंकि वो रिंग कंपाउंड था इसीलिए ये वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है ना। वैसे और इस पे कुछ अच्छे एक दो क्वेश्चंस मैं करवाना चाह रही थी, बट ऑलरेडी वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो गया है और सर का क्लास होने के कारण, और इवन CB रिएक्शन भी है मेरे पास, ठीक है। तो वो भी मुझे अगले वीडियो में आपको बताना पड़ेगा। तो इवन CB, इसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, और ये सारी चीज़ें अपन अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं और रिडक्शन भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू एवरीवन।